आरोपी का वीडियो वायरल, मेरी बच्ची बीमार है मामले में शामिल न होने के बावजूद मेरी एफआईआर कर दी। भाजपा नेता सूर्यकांत जगताप ने वायरल ऑडियो में कहा कि मेरी तरफ से एफआईआर नहीं की गई है। आपको बता दें कि शहर के कैंट थाना अंतर्गत दीपावली की रात एक नेता के घर पर हुए पथराव के मामले में भाजपा नेता सूर्यकांत जगताप के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ कैंट में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। एक आरोपी के स्वयं पर झूठा मुकदमा दर्ज होने के चलते उसने अपना वीडियो वायरल कर अपने पक्ष में सफाई पेश की है। इसमें कहा गया कि वहां जो कुछ भी हुआ उसमें वो शामिल नहीं था। इस पर भाजपा नेता के द्वारा वायरल ऑडियो में कहा गया कि मेरे द्वारा एफआईआर नहीं करवाई गई है, ये कार्रवाई कैंट थाना प्रभारी के द्वारा की गई है। सवाल ये उठता है कि जब कोई फरियादी किसी के एफआईआर करने जाता है तो संबंधित थाने में एफआईआर लिखने के बाद पढ़कर सुनाई जाती है, तो आखिर क्यों भाजपा नेता इस वायरल ऑडियो में मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। दीपावली की रात मुंशीपुरा में भाजपा नेता सूर्यकांत जगताप के घर हुए पथराव के मामले में दर्ज हुए एक प्रकरण के मामले में आरोपी संदीप सोलंकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर कहा कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, अगर 2 दिन में इसका निकाल नहीं किया गया तो आगे की स्थितियों के लिए कैंट टीआई और जगताप सिंह जिम्मेदार होंगे। आरोपी के द्वारा जारी की गई वीडियो के अनुसार एफआईआर में नाम आते ही इस मामले में आरोपी संदीप सोलंकी ने भोपाल के एक निजी अस्पताल के सामने खड़े होकर वीडियो बनाया। इसमें कहा कि परिवार सहित भोपाल में है, जगताप से मेरी पुरानी है, इसलिए झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया और आरोपी संदीप और जगताप की यहाँ पर आपसी बातचीत का ऑडियो मैसेज भी वायरल किया गया है, जिससे स्थितियां साफ हैं कि आरोपी का नाम जानबूझकर दर्ज कराया गया है। ये जगताप वाला जो विवाद है, ये एक जमीन पाड़न वालों की जमीन जो कि मयंक के घर के पास है वो विवाद है। वो जमीन ने मयंक का रास्ता बंद किया था, आज से 10 महीने पहले इनने एक एफआईआर और हम पे की थी और वो ज़मीन पे इन लोगों ने वो ज़मीन इन लोगों ने घेर लिया, रास्ता भी बंद हो गया। उस समय भी इन्होंने नेतागिरी करके हम पे एफआईआर कर दी थी और आज 10 महीने बाद, हाँ, विवाद जो जे वाला बता रहे हैं ये लोग, जिस पे हम पे 386 लगाई है, ये इस एफआईआर में कहीं से कहीं तक 386 तो था ही नहीं, वही रास्ते का विवाद है और वही चल रहा है जिसमें मैं तो था ही नहीं। और मेरे पास ऑडियो भी है जिसमें मेरी सूर्यकांत जगताप जी से बात हुई है और मैंने टीआई साहब को भी सूचना दी थी कि साहब मैं इस लड़ाई में नहीं हूँ। उसके बाद भी इन लोगों ने एफआईआर की। जगताप टोटल ऑडियो में यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, तुम हरी दम पे लड़ता है इसलिए मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया है, और उनका कहना भी यह है कि टीआई साहब ने लिखा है नाम, मैंने नहीं लिखवाया। आपको मैं ऑडियो भी भेज रहा हूँ और अब मुझे मालूम है कि पुलिस हमें पकड़ेगी, मेरे पे रासुका लगाएगी, NSA लगाएगी, ये भी तैयारी इन लोगों ने राजनीति दबाव में मेरे ऊपर जगताप के दबाव से ये लोगों ने ये तैयारी कर दी है कि मेरे को पकड़कर और ये लोग मेरे पे NSA लगाए। और ये ज़मीनी विवाद चल रहा है, इसमें पैसा मांगने मांगने का कहाँ से मैटर आ गया साहब? मेरे पास तो वैसे ही भगवान की दया से पैसा बहुत है और झूठा मुकदमा भी बनाया, मेरे पास प्रूफ भी बहुत सारे हैं कि मैं इस लड़ाई में नहीं था। जो भी लड़के थे कैंची कारखाने पे, जो कैमरा लग रहा है उस पर पुलिस चाहे तो चेक कर ले कौन कौन था लड़ाई में, कौन कौन नहीं था, क्योंकि अभी मेरी मेरे मित्र से बात हुई जो FIR में मुलजिम था और उसने टीआई साहब ने उनसे बहुत सारी पूछताछ की, लड़कों ने अपने बच्चे मम्मी तक की भी कसम खाई थी कि संदीप नहीं है और जगताप खुद ऑडियो में बोल रहा है कि क्या कहते हैं कि संदीप नहीं है। उसके बाद भी निकाल नहीं होगा और मैं जानता हूँ मैं पकड़ा होगा तो मेरे पे NSA लगा देंगे ये लोग। कोई मैं इतना बड़ा मुलजिम नहीं हूँ, ना मेरा कोई अपराध, और इतना बड़ा दंड जो मुझे दिया जा रहा है, एक पुलिस वाला, पूरी पुलिस टीम, जगताप, राजनीति सब मिलकर मेरे साथ जो गेम खेला जा रहा ये बहुत गलत हो रहा है। और मैं सब कुछ छोड़कर शांति से अच्छा जीवन जी रहा था, अच्छा सब कुछ, ऐसे परिस्थिति में जिस समय मेरी बच्ची गुना अस्पताल सहयोग में हुई, ये 31 तारीख को बच्ची हुई, कमज़ोर होने के कारण, समय से पहले होने के कारण उसको रेनबो हॉस्पिटल में मैं ही लेके गया था, एम्बुलेंस में पीछे मेरी बुलेरो लेके साथ में ही गया था मैं। रेनबो में अभी भी भर्ती है, मेरी पूरी फैमिली सब वहीं भर्ती है,
मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरा निकाल कर दें, मैं ऑडियो भी सेंड कर रहा हूँ और मैं एसपी साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ऑडियो पे भी मेरे विशेष वो दिया जाए, ऑडियो में भी जगताप का विशेष नंबर है वो, अब मेरी जो बात हुई है उस पर भी गौर करें। जगताप का कहना भी ये है कि मैंने नाम नहीं लिखवाया, पुलिस द्वारा नाम लिखा गया है, तो प्लीज़ इस मैटर को सुलझाकर मुझे इस व्याधि से मुक्त करें, वरना कुछ नहीं है, आप लोग एफआईआर करेंगे, मैं जेल जाऊंगा, छूटूंगा, मन में एक आक्रोश भी रहेगा, और फिर ठीक है, मैं अभी भी इसी उम्मीद पर हूँ कि सब सही हो जाए, अस्पताल भोपाल पुलिस आ गई। अगर ऐसे में अगर मेरे वहाँ ना उपस्थिति में अगर मेरी बच्ची को कुछ होता है या मेरी फैमिली को किसी भी मतलब चीज़ की कमी होती है, तो आप लोग समझे, आज मैं सब बोल रहा हूँ, कल कुछ हो गया तो पूरा गुना बोलेगा, और मैं बस इतना ही चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, निकाल की जाए, कोई भी मेरे पे फालतू केस ना बनाया जाए, मैं अभी भी सब अच्छा चाह रहा हूँ कि सब अच्छा हो जाए। हेलो अंकल जी, संदीप बोल रहा था, संदीप सोलंकी। हाँ भैया संदीप। अंकल जी मेरा नाम क्यों लिखवाया? अंकल जी मेरी तो बच्ची हुई है परसों नर्सों के दिन, मैं जिला बदल इतना परेशान चल रहा हूँ, बच्ची मरने अटकी है अस्पताल में, गुना से रेफर कर दिया उसको भोपाल रेमपुर, तो आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। हमने तो आपका नाम लिखाया नहीं है, पुलिस किसका नाम लिख रही है भैया, हमें क्या मालूम, हम तो मयंक शर्मा और उनके फोन लगाया था, मैंने कहा साहब मेरी बच्ची हुई है, मुझे मत करो परेशान, मैंने तो गुनाह ही छोड़ दिया था अंकल, मेरी कसम दीपावली की वजह से, और मेरे एक ही बच्चा, मेरा घर परिवार सब मर गया, मैंने तो आपके दरवाजे पे आना ही छोड़ दिया था, ये बताओ तुम्हारे वजह से तो करता है यार ये गुंडागिरी, तुम्हारे दम पे किसी की वजह से करे, हमने तो नहीं किया था ना अंकल जी, ये तो और बदमाश बनाने की कहानी चल रही है कि अब मैं मजबूर हूँ कि मरूंगा नहीं तो क्या करूँ मैं, अब बताओ यार मेरी घर में हम भी कब तक मजबूर रहे, बता हम भी कब तक मजबूर रहे यार, तो आप हमारे घर पे मेरा नाम नहीं लिखवाना था ना मेरा, मैंने तो आपके दरवाजे पर आना छोड़ दिया था, जब बच्चा आपसे पहले बात हुई थी संजू भाई साहब के इधर भी बात हुई, सबसे मैंने आपके दरवाजे पर आना कब भी, उधर मैं के घर भी देखा क्या आपने कभी मुझे आते नहीं देखा ना, मैं कब कह रहा हूँ देखा मैंने भैया, बहुत तकलीफ हो रहा है घर में आपकी कसम, आज त्योहार था, बच्ची मरने अटकी है, मेरे घर पुलिस गई, मैंने मतलब मेरी गलती क्या थी कि इतना बड़ा दंड मिल गया मुझे, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई इस विषय में भैया, बस मैं अब 386 का मुकदमा कायम हुआ, अभी सुबह सो के उठाऊँ तो मुझे फोन लगा रहे हैं कि भैया संदीप मुकदमा कायम हो गया, मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, अब आप मैं क्या बताऊं अंकल जी, अब भाई मैं जिला बदल चल रहा हूँ, उल्लंघन लगेगा जेल लगेगा, मैं कितना परेशान हो गया, मेरा नाम मेरी सोलंकी बात सुनो, उस टाइम पे तुम्हारे जिला बदल के टाइम पे आपने मुझसे कहा था तो मैंने कोई ऐसा एफआईआर दर्ज नहीं कराया, जबकि मैं चाहता था अंकल जी उस समय अपराध में हम थे तो आपने लिखवाया, कोई उस टाइम भी मैं चाहता था उसको डकैती में कन्वर्ट करा देता, लेकिन मैंने है ना तुमने कहा तो मैंने बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप भी नहीं किया और मैंने कोई बात भी नहीं करी थी। तो अंकल जी आज कौन सी गलती हो गई थी मुझसे यार, अब मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आप लोगों का कल क्या विवाद हुआ है, मुझे तो अभी सो के उठाऊं सुबह तो ये पता चल रहा है कि एफआईआर हुआ विवाद क्या, रात को दीपा के 11-12 बजे आ गए पूरी एक गाड़ी दो गाड़ी भर के और वो स्टाइल में भर के जो घर के सामने आके गाली वाली देते और जब तक हम बाहर निकले। अब अंकल जी उस गलती उसकी है तो मुझे दंड क्यों मिलेगा, आप मेरे से बात कर लेते या मुझसे आप मैं आ जाता आप कैसे आ जाता है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मैं जिला बदल इतनी बड़ी समस्या में आ गया हूँ मैं कि अब आपको क्या बताऊँ, इस केस में जमानत होगी कि नहीं होगी, वो क्या कहते हैं उल्लंघन अलग लगेगा मेरे पास, घर में अभी पता चलेगा, घर वाली अभी अस्पताल सीजर से हुई है उसको एम्बुलेंस से मैंने वहां पहुंचाया था। बेटा मुझे तो ये सब जानकारी भी नहीं थी, मेरे तो तेरे पिताजी से भी बात हुई थी, उस टाइम भी मैंने उनसे कहा था बैंक मैन का साहब उसे बता दो हम क्या हमें कहा को बीच में डालता है वो बैंक के उसमें क्यों आता है बीच में, उस टाइम भी मैंने उनसे कहा था मैंने कहा हम हमारा बैंक से झगड़ा है तो उससे तो कोई झगड़ा है नहीं, तो आए नहीं अंकल जी, मैंने तो आपके दरवाजे पर कभी आपने मुझे देखा क्या उसके बाद आपने कभी मुझे शकल से भी देखा क्या कहीं पे, आप बताओ तुम्हारी वजह से ही रहा है ना वो, अरे मेरी वजह से क्यों करेगा वो, दारू पिएगा तो मेरी वजह से थोड़ी पीता है अंकल जी, कल में था क्या, कल किया उसमें मेरी क्या गलती रही,
लोग तो कह रहे हैं साहब वो सब थे, 4-5 लड़के, 8-10 लड़के। वो 10 थे, वो 20 थे, बजाज के थे कि कहाँ के थे अंकल जी? मैं क्या कह रहा हूँ, आज त्योहार है, मेरा पूरा परिवार मर जाए, मैं उस लड़ाई में मुझे मतलब ही नहीं था। मेरे को तो सुबह अभी ये पता चल रहा है संदीप तुम पे FIR हो गई। FIR में मैं, वो तो पुलिस ने नाम डाले, मैं क्या करूँ उसको? किसने बताया? पुलिस तो फेस कर रही थी, कहाँ 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 है आपको? हाँ पुलिस तो, पुलिस ने कराया, मैंने क्या कराया इसमें? मैंने तो उनके बहन के और लोगों के नाम डाले। मेरी TI साहब से बात हुई है, TI साहब कह रहा है कि उनने लिखवाया है। मैंने कहा साहब बातें बहन बहन बोलते उनके नाम लिखा है हमने तो देख लो यार, हमारी किसी से पर्सनल लड़ाई थोड़ी है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किस गलती की सजा मिली है अंकल जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा क्या विवाद हुआ है कि मेरा नाम तो लिखवा दिया। मैं बढ़िया अपनी जिंदगी जी रहा था, बहुत सुकून से, बहुत अच्छा जी रहा था, बाहर भी चले गए थे, अपना काम धंधा भी देख रहे थे। अभी घर में वैसे इतनी टेंशन चल रही थी, पापा को छुट्टी नहीं मिली तो मैं ही करता धरता था, मेरे मेरे साथ इतना बड़ा वो हो गया। बताओ आप, मुझे कितनी संकट होगी अब आपको पता नहीं। अंकल जी मेरा नाम हमसे लड़ने आया था और रात में ये सब आए थे, उसमें कौन कौन था शामिल? ये तो पुलिस ट्रेस कर रही है, हमने तो यही कहा है पुलिस ट्रेस करे। पुलिस ट्रेस कर रही है, पुलिस से सबका कहते हैं कि लड़कों ने भी कह होगा जो बंद होंगे, नहीं था उन्होंने कहा कि वो तो आपके कहने पे लिखवाया है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आपके कहने पे लिखवाया है। क्या भिजवाया? आपके कहने पे नाम लिखवाया है ये बता रहे हैं वो। पुलिस तो कुछ भी कहती रहेगी, आप समझी मान लो पुलिस की बात है। तो अंकल जी मेरा तो निकाल कर, मैंने तो ये कहा है कि वो रात में कौन कौन थे उनको ट्रेस करो। हाँ, और तो उसमें जो लड़के दो अंदर हैं वो सेलर, उससे हाँ, जानकारी लो कौन थे कौन क्या नहीं थे। वो थे तो वो पकड़े भी तो हो गए अंकल जी, वो थे तो हो गए। अब कहते हैं कि मेरा तो, और आप बताओ कहाँ कसम खा लो। लेकिन अंकल जी अगर उसमें, अगर मैं जेल गया, व्यक्ति का कोई झगड़ा नहीं है, हम पे अगर कोई इस तरह से आएगा घर के सामने आके हमें, तो वो तो आपका हक है, चूड़ी नहीं पहनी यार जिस तरह से लोग, वो तो आपका हक है अंकल जी। मैं खुद कह रहा हूँ, और मेरे दरवाजे कोई आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो दरवाजे दरवाजे क्या बात करें अभी आप बताओ।